ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिटी कैलकुलेशन, ऑर्नी एनिटी एंड एनिटी ड्यू, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए जो है वो हमने लास्ट क्लास में जो है बेसिक फार्मूला जो थे वो डिस्कस किए थे, जो आपके बुक पे अवेलेबल हैं। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंड एनिटी ड्यू, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एनिटी होती क्या है। एन एनिटी हूज पेमेंट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, उसको हम ऑर्डिनरी एनिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें एनिटी की, तो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट स्पेसिफिक, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट फिक्स्ड इंटरवल्स फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड। एनुटी में क्या है कि आपको इक्वल पेमेंट होगी एट द एंड ऑफ पीरियड और ऑन द स्टार्ट ऑफ पीरियड। फिर एंड एंड बिगनिंग पे जो है बात करें तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं ऑर्डिनरी एनुटी एंड एनुटी ड्यू। अगर आपकी पेमेंट जो है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड है तो वो आपके पास ऑर्डिनरी एनुटी होगी। अगर पेमेंट्स बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड है तो वो आपके पास एनुटी ड्यू होगा। फिर हमने जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी जो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये फॉर्मूला जो है वो हमने डिस्कस किया था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी, जिसमें यहाँ पे हमने आर जो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आर हमें यहाँ पे पेमेंट अमाउंट को जो है वो यहाँ पे आर स्टैंड फॉर पेमेंट अमाउंट एंड आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। और इसके लिए हमने जो सेकंड फार्मूला जो आपकी बुक पे अवेलेबल है पेज नंबर 34 पे वो हमने डिस्कस किया था, वो था आपके पास पीएमटी पेमेंट अमाउंट 1 प्लस आई होल की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, इक्वेशन 2.3 पेज नंबर 34। तो उसके थ्रू जो है वो हमने कैलकुलेशंस सीखी थी। आज जो प्रैक्टिकल जो हमारे पास प्रॉब्लम है बुक पे एंड पे उन पे जो है वो वन बाय वन हम अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि हम अपनी जो है एनटी एंट्री ड्यू जो है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसकी फ्यूचर वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। लास्ट पे जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास था ऑर्डिनरी एनुटी और ऑर्डिनरी एनुटी का हमने फार्मूला पढ़ा था। आज जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। अगर आपको फार्मूला याद है ऑर्डिनरी एनुटी का तो हमने क्या करना है, जस्ट उसके साथ 1 प्लस आई जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू का है। अगर ये फार्मूला आपको याद हो, ये देखें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनिटी इनटू 1 प्लस आई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनिटी, आपने पहले फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनिटी कैलकुलेट करनी है और उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपको याद हो कि हमने एक फार्मूला जो था वो ऑर्डिनरी एनुटी का डिस्कस किया था पेज नंबर 34 इक्वेशन 2.3, आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ से इक्वेशन 2.3 पेज नंबर 34। यह जी आपके पास इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट करने का, ऑर्डिनरी एनुटी को कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला, ठीक है। हमने ऑर्डिनरी एनुटी की जो है फ्यूचर वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करनी है, अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो स्लाइड पे आपके पास यहाँ पे r इंटू वन प्लस आई एन माइनस वन इंटू आर इंटू वन प्लस आई एन माइनस टू, यहाँ पे आपके पास फार्मूला है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला फार्मूला जो था आपके पास r इंटू वन प्लस आई की पावर n प्लस r इंटू वन प्लस आई की पावर n माइनस वन, यही फार्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके बुक पे अवेलेबल है। अब जो है इसी फार्मूले को जो है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में जो है वो उन्होंने ड्राइव करके लिखा हुआ है,
इक्वेशन की फॉर्म में क्या है, पीएमटी, इसको आप आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पीएमटी यहाँ पे स्टैंड फॉर जो है वो आपकी पेमेंट अमाउंट है, इंटू वन प्लस आई, वन प्लस आई, आई यहाँ पे जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है, माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक सिंपल फार्मूला जो है वो आप यूज कर सकते हैं, अगर ये आप जो है पहले वाला फार्मूला यूज नहीं करना चाहते तो आप सेकंड फार्मूला जो है इक्वेशन 2.3 इसके थ्रू आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू की, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो आप उसमें ये चीज सिंपल फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूला के थ्रू आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी कैलकुलेट कर ली। सेकेंड स्टेप में जो है अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू कैलकुलेट करनी है तो वो हम देखेंगे कि वो हम किस फार्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनुटी ड्यू, इसका मतलब है कि जिसकी पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड जो है वो एनुटी ड्यू जो है उसमें बिगनिंग पे होती है पेमेंट जो है वो, इसकी अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी, थ्योरेटिकल थ्योरी जब हमने इसकी डिस्कस की थी, आज जो है वो हम इसके न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं इनको आप समझ लें, फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू जो है ऑर्डिनरी एनुटी कैलकुलेट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए ये फार्मूला आप नोट कर लें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी, सॉरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू आपने कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इंटू वन प्लस आई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इंटू वन प्लस आई। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसका जो आंसर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी जो है वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी पीएमटी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाई आई माइनस 1। ये फार्मूला जो है वो आप यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई के साथ, ठीक है, जैसा यहाँ पे सेकंड स्क्रीन पे है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। तो सिर्फ आपने सिर्फ ये करना है कि ड्यू एनुटी ड्यू के केस में आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का जो आंसर है उसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कंबाइन एक फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी के फार्मूला में 1 प्लस आई उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने जो है वो क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स उनको वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास फ्यूचर वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, जो हमारे पास सिंपल फार्मूला जो था हमने फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का जो पढ़ा था, ठीक है। तो पहले आप जो है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है 1 प्लस आई की पावर एन जो है उसको यूज करते हुए कैलकुलेट जो है वो करेंगे फ्यूचर वैल्यू, देन सेकंड फार्मूला जो है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू का है उसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू का यहाँ से देखें, स्टेटमेंट देखें, इफ यू डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक अकाउंट दैट पे 10% इंटरेस्ट एनुअली हाउ मच वुड बी इन योर अकाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। इट मीन कि आफ्टर 5 ईयर की बात हो रही है कि 5 साल बाद आपके अकाउंट में कितने होंगे अगर आप आज 10,000 डिपॉजिट करवाते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। इट्स मीन कि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसकी फाइंड आउट करेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास पीवी जो है वो 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। तो आप सिंपल जो है फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला पीवी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन जो है वो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे आपकी बुक पे अवेलेबल है, आपने असाइनमेंट भी किया है तो आप जो है वो इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, तो आप जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की प्रैक्टिस करें। पहले भी आपने जो है वो लेक्चर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट भी आपने की, उस पर भी जो है वो आप वर्क कर रहे हैं। अब जो है हमने आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी एंटिटी एंड एंटिटी ड्यू, उसकी फ्यूचर वैल्यूज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, उसकी जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनिटी की, ऑर्डिनरी एनिटी एंड एनिटी ड्यू, उसकी फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला जो आपने अभी नोट डाउन किया है उसी के बेस पे जो है हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.14, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनिटी, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एनिटी कंपाउंडिंग अकर वंस अ ईयर। पहला जो है वो आपने ऑर्डिनरी एनिटी जो है इसको ट्रीट करते हुए इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देन आपके पास जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला जो डी ऑप्शन है, रिवर्क पार्ट ए बी एंड सी अज्यूमिंग दैट दे आर एनिटी ड्यू। तो सबसे पहले जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो ऑर्डिनरी एनिटी करनी है, उसके बाद जो है हम वर्किंग करेंगे इन्हीं को जो रिवर्स करके जो है एनिटी ड्यू के लिए। ठीक है, तो पहली जो आपका पार्ट ए है उसमें $4,000 400 पर ईयर फॉर 10 ईयर्स एट रेट 10%। इट्स मीन यहाँ पे आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स आपके 10 है, और आपका पेमेंट अमाउंट जो है वो 400 है। तो जल्दी करें, आप इसको कैलकुलेट करें और इसका सोल्यूशन जो है वो शेयर करें। सेकेंड पोर्शन जो है, सेकेंड पार्ट जो है उसमें 200 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स आपने जो है वो कैलकुलेट करना है एट द रेट 5%। थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पार्ट जो है उसमें 400 पर ईयर एट द रेट 5% जो है वो 0%, सॉरी 5 ईयर 0%। इट्स मीन के आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स हैं एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, और आपकी पेमेंट अमाउंट जो है वो 400 है। अब ये सारी जो है इन पे हमने जो फार्मूलाज अप्लाई करना है वो आपके पास बेसिक फार्मूला जो है वो ये है कि आपने उसको कैलकुलेट करना है। पीएमटी, पीएमटी मीन आपका जो पेमेंट अमाउंट है